वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग मोबाइल की गैलरी में एल्बम को कैसे हाइड कर सकते हैं और कैसे अनहाइड कर सकते हैं। तो अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें, बिना स्किप करो। और हमारे चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन घंटों दबाएगा ताकि हमारा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो अगर देखिए गैलरी को ओपन कर लेना, गैलरी को ओपन करने के बाद आपके यहाँ पर तीन डॉट मिलेंगे, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर हाइट और अनहाइट का ऑप्शन आपके यहाँ पे मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे जोन से भी आपको एल्बम को हाइट कर लेना है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं इसको ले लेता हूँ, तो मैंने इस पर क्लिक करा और उसके बाद ऊपर यहाँ अप्लाई का ऑप्शन आपका मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए व्हाट्सएप के नाम से जो मेरी फाइल थी वो यहाँ हाइड हो जाएगी। उसके बाद इसको अनहाइड करने के लिए दोबारा तीन डॉट पे जाना होगा। उसके बाद यहाँ पे हाइड और अनहाइड के एल्बम पे जाना होगा और उसके बाद यहाँ राइट का निशान मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके और यहाँ से इसको अप्लाई करना होगा। तो ये देखिए अनहाइड हो गई। तो अगर देखिए इस तरीके से आप अपने सैमसंग मोबाइल की गैलरी में एल्बम को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। तो गाइड चाहे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक यू।